नमस्कार दोस्तों, दोस्तों कैसे हो? दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूँ। ये कैसे जवान के ऊपर, हमारे देश के आर्मी के जवान के ऊपर है, जो जवान शहीद होने के बाद भी आज भी हमारे देश की जो बॉर्डर है, उसके देश की सीमा है, उस पर वो निगरानी रखता है और वहाँ उसकी सेवा करता है। और दोस्तों ये इनका नाम है बाबा हरभजन जी। बाबा हरभजन जी काफ़ी माना जाना नाम है। तो आज दोस्तों आज हम इनकी कहानी सुनेंगे। तो दोस्तों होता है कि बहुत समय पहले की ये कहानी है कि हर भूत बुरा नहीं होता और सब भूतिया कहानी डरावनी नहीं होती। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शख्स की जिनके बारे में आपने सभी नहीं जानते होंगे। जीतू नाम का एक लड़का था जिसने नए नए इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था। उसकी पोस्टिंग दूसरी जगह होने के कारण वह ट्रेन में बैठकर हिमालय जा रहा था। उसने देखा कि सीट के सामने सारे इंडियन आर्मी के लोग हाथ पैर जोड़कर जा रहे थे। वह सीट एकदम खाली थी और सीट के नीचे दो पैग पड़े हुए थे। जीतू को कुछ समझ नहीं आया तो वह आंख बंद करके सो गया। जब जीतू की रात में आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने वाली सीट एक आर्मी वाले ड्रेस में एक लड़का बैठा हुआ है और वह उसी सीट पर बैठा था जिस पर सारे आर्मी के ऑफिसर हाथ जोड़कर जा रहे थे। वह लड़का जीतू को देखकर हल्का मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही जीतू थोड़ा सा डर गया और उठकर अपनी सीट पर अच्छे से बैठ गया। और जीतू बोलता है, क्या ये तुम्हारी सीट है? वह लड़का बोलता है, ये मेरी सीट है। फिर जीतू पूछता है, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पता है तुम्हारी सीट पर सब आकर हाथ क्यों जोड़ रहे थे? उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। जीतू फिर से एक बार पूछा। वह लड़का जीतू को देखकर मुस्कुरा रहा था और कुछ नहीं बोला। जीतू उस लड़के को पागल बोलकर फिर से लौटकर सो गया। फिर जीतू की थोड़ी देर बाद आंख खुली और फिर उस सीट पर कोई नहीं बैठा हुआ था। जीतू घबराया और उसे काफ़ी अजीब लगा। सारी रात जीतू उस लड़के के बारे में सोच सोच कर सोया नहीं और उस सीट को रात भर देखता रहा। जब सुबह हुई तब दो आर्मी ऑफिसर आए उस सीट को पर, जो सीट खाली पड़ा हुआ था। उस सीट के नीचे दो बैग था। उसे निकाल कर ले जाने के लिए जीतू उसी समय आर्मी अफसर से पूछता है उस लड़के के बारे में। उन अफसर ने बताया तो जीतू के होश उड़ गए। आर्मी वालों ने बताया कि ये सीट बाबा हरभजन सिंह की है। 1968 में उनका देहांत हो गया था। 1966 में आर्मी ज्वाइन किए थे और उनकी पानी में डूबकर उनका देहांत हो गया। 3-4 दिन तक जब तक उनकी बॉडी नहीं मिली तो उनको भगोड़ा साबित कर दिया गया। और वह एक दिन रात में सपने अपने दोस्त के सपने में आए, उन्हें सारी बात बताई। ये भी बताया कि मेरी बॉडी कहाँ मिलेगी। अगले दिन ही उनकी बॉडी को खोज लिया जाता है। तब से आज तक हरभजन सिंह जो है फौजियों के सपनों में आकर दुश्मनों की सारी प्लेस बता दिया करते हैं और इस तरह इंडो चाइना बॉर्डर पर वह 40 साल से सेवा करते आ रहे हैं। कहते हैं कि रात में फौजियों को अगर नींद लग जाती है तो बाबा हरभजन सिंह आकर उन्हें थप्पड़ मारकर जगा देते हैं। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी भी मानती है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा आज भी इंडो चाइना बॉर्डर पर रखवाली कर रही है और उन्हें कैप्टन का दर्जा भी दिया गया है और उनके नाम से एक मंदिर भी बनाया गया है। ये सब बात सुनकर जीतू बहुत चौंक जाता है। जीतू जैसे ही बॉर्डर पर पहुंचता है और सबसे पहले बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में जाकर माथा टेक कर आता है। बाबा हरभजन सिंह फिर से कीटों के सामने आ जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि ये बात सच है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मैंने जो ये जो कहानी बताई है,
ये कहानी बिल्कुल सच है। और हमारे देश के बॉर्डर पर ये बाबा हरभजन सिंह जी जो है हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमारे जवानों को टाइम टाइम पर जगाते हैं और उनको बताते हैं कि यहाँ पर कोई आ रहा है। तो दोस्तों भूत तो बहुत देखे होंगे, मगर ऐसे जो हमारे देश के अंदर ऐसे जवान हैं जिनकी आत्मा आज भी हमारे देश की सेवा कर रही है। तो दोस्तों देश का जो सेवा करने का जज्बा होता है वो आदमी मरने के बाद भी कायम रहता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही जय हिंद जय भारत।